हेलो एवरीवन, आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जो कि आप सभी को मालूम होगा कि जो आपकी NIOS की एग्ज़ामिनेशन थी, चाहे क्लास 10th की थी चाहे क्लास 12th की थी, इनको लेके स्टूडेंट के मन में कई प्रकार के डाउट यहाँ पर लोगों के द्वारा क्रिएट करे जा रहे हैं। मुख्य तौर पर इंटरनेट के माध्यम से या सोशल मीडिया जितने भी हैं प्लेटफॉर्म, या आप यूट्यूब पे भी कह सकते हैं, कई तरह के लोग आपको भ्रम में रखे हुए हैं। और ये कहानी चल रही है पिछले 1-1.5 महीने से कि NIOS के एग्ज़ामिनेशन आपके कैंसिल कर दिए जाएंगे, प्रमोट कर दिया जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के आपके सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई, जिसको आप लोग PIL कहते हैं, जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें इस बात का जिक्र करा गया कि जो कक्षा 10वीं और 12वीं के CBSE या ICSE या स्टेट बोर्ड के जो एग्ज़ाम हैं, जो ऑफलाइन माध्यम से होने, इनको कैंसिल करा जाए। किंतु आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के ऊपर स्पष्ट रूप से इस प्ली को ही डिसमिस कर दिया है। कहने का मतलब, जो ये याचिका थी, इस याचिका को ही खारिज कर दिया गया है, ये कहते हुए कि जो ये फैसला है ये संबंधित अथॉरिटियों के पास ही छोड़ दिया जाए। और इस तरह की पिटीशन डाल करके विद्यार्थियों के मन में गलत उम्मीद की भावना का सृजन ना करा जाए, उनके मन में ऐसी उम्मीद ना जगाई जाए कि आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर CBSE के फैसले को लेकर के बात दी गई है कि टर्म 2 के जो एग्ज़ामिनेशन से ऑफलाइन मोड में जो होने थे उनको कैंसिल नहीं करा जाएगा, वो यथावत रूप से संबंधित जो उसकी अथॉरिटीज़ हैं वो उसमें फैसला लेंगे और आगे की ओर अपनी कार्यवाही करेंगी। तो इस याचिका को खारिज कर दिया गया स्पष्ट रूप से। और यह भी एक तरह से आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इंस्ट्रक्ट कराया कि बहुत से स्टेट बोर्ड्स ने, जैसे मध्य प्रदेश और बिहार ने, तो अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स को शुरू भी कर दिया गया है। तो आप लोग इस हवाले से इस बात को कह सकते हैं कि आपकी जो ये हैं ये कैंसिल करी जाए। तो यहाँ पर बात यही है कि क्लियर तौर पर आपकी एग्ज़ामिनेशन जो है, भले ही CBSE का यहाँ पर बात किया जा रहा है, टर्म 2 के एग्ज़ामिनेशन ऑफलाइन मोड में जो होने थे वो कैंसिल नहीं करे जाएंगे। तो इसी के साथ आप ये भी समझ सकते हैं कि CBSE जहाँ पर एक सेंट्रल बोर्ड है, उसी के साथ साथ जो आपका NIOS है, दोनों के पेरेंट एक साथ ही चलते हैं। आपका CBSE कह लो चाहे NIOS कह लो, दोनों केंद्र सरकार के ही हैं। तो CBSE के हवाले से अगर फैसला आ रहा है उसके पक्ष में, या आप देख सकते हैं कि CBSE के एग्ज़ामिनेशन हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके एग्ज़ामिनेशन भी होंगे ही होंगे। और ये बात मैं आपको स्पष्ट रूप से आज से लगभग 15-20 दिन पहले ही कह चुका हूँ। किंतु ये जो भ्रम की स्थिति यहाँ पर पैदा करी जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, जिसमें एक बेवकूफ़ा तरीके से आप लोगों के सामने फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है, तो आप लोग इन बातों में ना पढ़ें, अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट रखें। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, एग्ज़ामिनेशन आपके होने हैं, 100% होने हैं, किंतु आप लोग बेतुकी बातों में ही अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। फिर भी समय रहते संभल जाइए और अपनी परीक्षा की तैयारियों में लगे रहिए। बहुत जल्द आप सभी के सामने आपकी डेट शीट आने वाली है, उस समय ये लोग आपके काम नहीं आएंगे जिनकी बातें मान करके आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि आपकी परीक्षाएं स्थगित हो जाएंगी या आपको विदाउट एग्जामिनेशन प्रमोट कर दिया जाएगा। पिछले साल की स्थिति कुछ और थी, वर्तमान समय की स्थिति कुछ और है, ठीक। आई होप आप सभी समझ गए होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में आज ही से जुट जाएंगे और किसी भी तरह के भ्रमित करने वाले दावों में या इन खबरों में अपना समय बेफिजूल में व्यर्थ नहीं करेंगे, क्योंकि अंततः नुकसान आप ही का है, ठीक। तो अपनी पढ़ाई पर अग्रसर रहें, अपनी तैयारियां करें परीक्षाओं की, ठीक है। तो कोई आपके जहन में कुछ और पूछना हो, सवाल हो, तो यहाँ पर मैं आपका स्क्रीन पे नीचे यहाँ पर आपको हमारा नंबर भी शो हो रहा होगा, आप उसमें व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और कुल मिला के मोटी बात कि आपकी एग्जामिनेशन कैंसिल होने की कोई उम्मीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी इनडायरेक्टली, आप समझ सकते हैं, अगर CBSE के लिए ये फैसला आ चुका है तो स्पष्ट रूप से आप सभी के लिए भी यही बात लागू होती है, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू एवरीवन।